हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि दिल्ली में हरियाणा के जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उन्हें पास ना दिया जाए और उनके रहने की व्यवस्था दिल्ली में ही की जाए। तो बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के अनिल विज का बड़ा आरोप दिल्ली सरकार पर। हमने दिल्ली से जो तबलीगी आए उनमें से 120 कोरोना पॉजिटिव थे, उनका हमने इलाज किया और अब बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में है वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। हमारे सोनीपत में लगभग 9 केस ऐसे आए हैं जिनको दिल्ली से संक्रमण हुआ और पानीपत में ऐसे ही एक दिल्ली कर्मचारी की बहन जो सब इंस्पेक्टर है समालखा थाने में वो संक्रमित हुई, उसका सारा परिवार संक्रमित हुआ और हमें समालखा थाने को सारे को क्वारंटाइन करना पड़ा है। इसलिए मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आपने सुना, उनका सीधा सीधा आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर कि हमारे हरियाणा में अगर मामले बढ़ रहे हैं तो वो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनके चलते बढ़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो एक अजीब टाइप की जंग है। अब दिल्ली में अगर इमरजेंसी सर्विसेज के लोग नौकरी कर रहे हैं और घर उनका हरियाणा में है तो वो लौट कर तो जाएंगे, कितना वाजिब मानते हैं आप इस मांग को? मुझे लगता है कि देखिए, कोरोना की लड़ाई में राज्यों को आपस में नहीं बंटना चाहिए। अगर अनिल विज की बात सुनकर मैं चंडीगढ़ का जिक्र करूं तो यहाँ भी ट्राई सिटी है, जैसे कि एनसीआर है दिल्ली में, तो यहाँ भी पंचकुला और मोहाली के जो केस हैं, अगर उनको चंडीगढ़ वाले ये बोल दें कि हम अटेंड नहीं करेंगे, आपके लोग यहाँ नौकरी करने क्यों आते हैं, मेरे ख्याल कोरोना पे हमें बंटना नहीं है, इस लड़ाई को इस दौर में आगे नहीं लेके जाना है। अगर मान लीजिए 9 केस आ गए हैं और आपने हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर सील कर रखा है, 9 केस के कारण उन 9000 या उन 900 लोगों को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जो दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं। भाई, दिल्ली ने रोजगार भी तो दे रखा है, तो चलिए, ये साझा मुश्किल है, साझा बीमारी है, इसको साझा तरीके से हल करना है। किसी अगर इन 9 मरीजों को हटा देंगे तो क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा में और कोई मरीज नहीं आएगा? चलिए, आपने तबलीगियों का इलाज कराया तो आपकी सराहना हुई ना, हरियाणा का डिस्चार्ज रेट बहुत अच्छा है, मैं भी तारीफ करता हूँ, 67% डिस्चार्ज रेट है। अगर मान लीजिए 296 केस आज हुए हैं तो उनमें से 192 केस जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप ये करें, मुझे ये लगता है कि अनिल विज को चाहिए ये था कि आपने जो बॉर्डर सील कर रखा है वहां पर आप इतनी जबरदस्त स्क्रीनिंग करवाइए कि जो पास लेकर आ रहे हैं वो लोग जो एम्प्लॉय डेली अपडाउन करते हैं दिल्ली से, उन लोगों की स्क्रीनिंग हो और अगर कोई भी संक्रमित पाया जाता है या किसी के भी संक्रमित होने के लक्षण लगते हैं तो उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाया जाए। दूसरी बात यह है कि दिल्ली को इस तरह से नहीं कहा जा सकता, फिर तो सभी लोग बिहार वाले भी कहेंगे कि आप वहीं रखिए, क्यों आपने मजदूर भेज दिए, यूपी वाले भी कहेंगे, तो दिल्ली का भी अपना एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक साझा प्रॉब्लम है, ये एक भारत को एक राज्य के रूप में देखना है, ना कि सब राज्य अलग अलग होकर लड़ाई लड़ेंगे, तो इस तरह से कोरोना खत्म नहीं होगा, एक साथ होकर लड़िए। अनिल विज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही संदेश दे रहे हैं देश को कि लड़ाई को मिलके लड़ना है, अगर राज्य आपस में बढ़ जाएंगे तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी।